हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आवला लाइन भाई जो आज बड़ौत में है, वहाँ पे तो है सारा सेटअप, यहाँ लेके मेला लग रहा है, जाटों का मेला लग रहा है मेरे भाई। और हम आज आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसके पास सभी फलदार पेड़, छायादार पेड़ और जो भी पौधे, ग्रास गार्डनिंग, फार्मिंग, जो भी आपके सौभाग्य घर पे पौधे लगाते हैं या अपने पार्क में लगाते हैं, सभी पौधे हैं सही लगाए, काफी दिनों से ये काम कर रहे हैं जितेंद्र मान, रेट पानी पसते हैं और कहाँ उनकी नर्सरी है, कब से काम कर रहे हैं, पूरी बात कराएंगे, कौन कौन सी वैरायटी है पूरी आप सब कोशिश कराएंगे। आम के पेड़ भी हैं उनके पास, नींबू के भी है और सभी तरह के गार्डन के पेड़ हैं। तो भाई पूरी बात कराते हैं। भाई जी नमस्कार। राम राम भाई साहब, ठीक हो जी? हाँ जी ठीक है। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं ना, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो जी। राम राम सभी भाइयों को, मेरा नाम जितेंद्र मान है जी। और गांव धर्मगढ़ जिला पानीपत है। अच्छा। मैं नर्सरी सेट करता हूँ, नर्सरी के अंदर हमने फ्रूट प्लांट का ज्यादा अक्तर काम करते हैं। भाई जी कब से नर्सरी का काम अपना? हमारा 4 साल हो गए जी। अच्छा 4 साल। हम पहले बागवानी की, हमने बागवानी के तौर पर अपने यहाँ पे सभी फ्रूट प्लांट के मदर ब्लॉक लगाए जी जी, जिसमें हमारे पास तकरीबन 27 फ्रूट प्लांट की वैरायटी हैं। अच्छा जी। जिसमें आम, नींबू, मौसमी, आड़ू, सेब, कटहल, अंजीर, जो भी नई वैरायटी आती है वो हम अपने फील्ड में लगाते हैं। अच्छा। और फिर हम किसानों को उसके गुण और दोष बताते हैं कि भाई ये हमारे फील्ड में ये रिजल्ट दे रही है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्शन कम है, किसकी मिठास ज़्यादा है, इसमें रोग क्षमता सहने की ज़्यादा वो है, कौन से में ज़्यादा रोग आते हैं, कौन सा पौधा ग्रो फास्ट करता है, तो वो किसानों को फिर हम उसी चीज़ के लिए गाइड करते हैं और किसानों के हम बाग लगवाते हैं। अच्छा भाई जी, पहले तो हम फलदार पेड़ की बात करते हैं, आपके पास आम में कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं? आम में हमारे पास 5-6 वैरायटी है। आम में हमारे पास दशहरी, चौसा, लंगड़ा और अब नई वैरायटी आई है जैसे अमरपाली, अरुणिका, अंबिका, लालिमा और एक ये स्वर्ण रेखा। अच्छा जी। और एक थाई मैंगो। और भाई जी अमरूद में? अमरूद में हम 3 वैरायटियों पे ज्यादा काम करते हैं, रेड डायमंड, हिसार सफेदा, ताइवान पिंक। अच्छा जी बहुत बढ़िया। और भाई जी ये जो आपकी ये है आपके बागवानी के पेड़ है, मतलब जो घर पे फूलों के आदमी बहुत मोहब्बत करता है, इनसे प्रेम करता है, इसमें कौन कौन से पेड़ आपके पास है? इसमें जैसे पाम हो गया, अच्छा, एरिका हो गया, बोटल। अच्छा। पाम की होगी कुछ जी। ये चाइनीज हो गए, कुछ इंडोर प्लांट हैं, कुछ आउटडोर प्लांट है, मतलब इनमें तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी आती है। अच्छा जी। तो लगभग ये घर में या गार्डन में रखने के सभी सौभाग्य के पेड़ आपके पास? हाँ जी सभी प्रकार के पौधे रखते हैं। बहुत बढ़िया। और भाई जी अगर कोई किसान भाई आपसे अपने आसपास मंगाना चाहे तो वहाँ भेज भी सकते हो आप? हाँ यदि कोई किसान साथी 10-20 पौधे लेना चाहते हैं तो हम भेज देते हैं। अच्छा। यदि ज्यादा पौधे लेता है तो हम उसकी पहले मिट्टी पानी की जांच रिपोर्ट मांगते हैं, आपकी मिट्टी पानी कैसा है, ताकि हम उनको पौधे दे तो आपको पता भी चल जाए कि ये पौधे वहाँ चलेंगे या नहीं चलेंगे, ताकि कल को हमको किसान उस चीज का दोष ना दे। जो कि सजावटी होते हैं, सजावटी तो ऐसे ही दिए जाते हैं कि सजावटी में कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता, जबकि फ्रूट के पौधे में हमको जिम्मेवारी उठनी पड़ती है ताकि उसमें किसान को आर्थिक लॉस ना हो, क्योंकि सब में ज्यादा किसान यहीं पे घाटा खाता है बागवानी में, कि उसको वैरायटी अच्छी नहीं मिलती और वैरायटी ना अच्छी मिलने के कारण ही उसको घाटे होते हैं। उसका मैं तो कहूंगा जीवन का आधा हिस्सा खराब हो जाए अगर कोई बागवानी अमरूद की। हाँ जी। या किसी भी तरह की बागवानी लगाए अगर अच्छी वैरायटी ना मिले तो बहुत नुकसान होता है। हाँ इस चीज के हम भुक्त भोगी है जी, हमने खुद लगाया था, हमने सस्ते के चक्कर में कलकत्ता से पौधे मंगाए थे। अच्छा जी। कलकत्ता से हमने बेरी मंगाई थी, नींबू मंगाया था, वो हमने लगा लिया था से 6 साल पहले। अच्छा। तो हमको जैसे 2-2.5 साल उनका पीरियड वेट करना पड़ा, जब उन पर कुछ नहीं आया तो हमको सभी अपने खेत से वो उखाड़ने पड़े थे। तो हम ये नहीं चाहते कि जैसा हमारे साथ हुआ दूसरों के साथ हो, और इसका एक मैसेज भी समाज में गलत जाता है। यदि गांव में एक आदमी हटके खेती करता है, जैसे बागवानी स्टार्ट की, तो लोग उसको देखते हैं कि ये क्या करेगा ऐसा कोई बागवानी स्टार्ट, और वही उसमें कामयाब नहीं हो तो दूसरे लोग पैर पीछे खींच लेते हैं, वो कारण नहीं पूछते क्या कारण हुआ। बड़े भाई जैसे धोखा चल रहा है, देखो नर्सरी में मैं तुम कहूंगा बताते कुछ है, निकलता है कुछ है, तो किसान भाई कैसे पहचान करे और कैसे इस चीज से बच सके ये बताओ। किसान साथी सब में पहले तो जैसे जिससे भी किसी प्रकार का फ्रूट का प्लांट ले तो पहले तो उसका मदर ब्लॉक चेक करें जी, कि भाई इसने ये पौधा जो हमको आम का दे रहा है या सेब का पौधा दे रहा है, इसके यहाँ पे फील्ड में लगा भी हुआ है जी, या नहीं दिया है, ये इसकी कटिंग लेता है या बाहर से ट्रेडिंग करता है। हमारे इंडिया में मोस्टली आजकल ट्रेडिंग वर्क है, ये ज्यादातर कलकत्ता से आता है, कलकत्ता से ये सारे इंडिया में सप्लाई हो जाती है, इसमें ट्रेडिंग वर्क का ज्यादा है बागवानी, तो इसलिए मदर ब्लॉक देख के या किसी अच्छे सेंटर से या कोई
जरूरी नहीं है कि आप हमारी नर्सरी से लो, कोई भी अच्छा सेंटर आपके आसपास भाई बहुत अच्छे, यूपी गवर्नमेंट भी कई सेंटर हैं, लखनऊ में सेंटर है, बस्ती में सेंटर हैं, तो हमारे हरियाणा में जैसे लाडवा सेंटर है, तो सेंटर से पौधे ले लो, कोई जरूरी नहीं नर्सरी से लो आप। बिल्कुल जी भाई जी, जैसे ये तो आपने बता दिया कि भाई नर्सरी से। हाँ जी। और जो आम के पेड़ हैं या अमरूद के पेड़ हैं, ये कितने दिन में फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसके बारे में और बताओ। ये जो नई कलोन आई है, कितने दिन में पौधा आम की जो ये नई वैरायटी आई है, 2 से 3 साल में फ्रूटिंग पे आ जाती हैं। जी सही, कमर्शियल बेस बीन का वैसे 4-5 साल ही होता है। अच्छा जी। और जबकि जो पुरानी वैरायटी है, इनमें क्या समस्या होती थी, 1 साल फ्रूट देती थी, 1 साल नहीं देती थी, कई बार इनका आधा हिस्सा फ्रूट देता था, आधा नहीं देता था। तो भाई जी, जैसे आपने पेड़, ये कितने फीट का पेड़ लगता है? ये तकरीबन जो 2 या 3 फुट का पौधा ही आम का हमारा बिक जाता है, ज्यादा बड़ा पौधा फार्मर नहीं होने देता। अच्छा। और ज्यादा बड़े पौधे लगाने भी नहीं चाहिए, वैसे कई किसान साथी डिमांड करते हैं, तो हमने कंपटीशन के तौर पे बड़े पौधे रखने पड़ते हैं, पर ज्यादा बड़े पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जो कच्चा पौधा होता है उसकी ग्रोथ फास्ट होती है, ना कि बड़े पौधे की ग्रोथ फास्ट होती है। और आम और अमरूद की बागवानी में कितनी दूरी में प्लांट लगे ताकि उसके फल अच्छे से आए और किसान को फायदा हो, आपकी नजरों में, क्योंकि दूरी का बहुत कम महत्व है। आम मैक्सिमम वैसे यदि हम डिफरेंस रखें तो कम से कम 30 फुट होता है। अच्छा जी। यदि आप 20 फुट तक भी करोगे तो चल जाता है, पर आजकल जो ये नई वरायटी आई है, इसको फार्मर 10 फुट पर भी करने लगे, इसको हाई डेंसिटी पे आम को नहीं लेने लगे, ऐसे ही अमरूद में कहानी है। अच्छा जी। अमरूद को वैसे जो हमारी पुरानी विधि होती थी 20x20 लगाते थे, जिसमें 110 पौधे लगते थे। अच्छा। अब किसान थोड़ा ज्यादा मेहनत करने लगे हैं, वो उनको 8 फुट 10 फुट के डिफरेंस पे लगे, हाई डेंसिटी तक 6-6 फुट पे भी लग किसान उसको पौधे लगा के करने लगे हैं। उसका क्या कारण होता है, थोड़े टाइम में किसान ज्यादा प्रोडक्शन लेता है और अच्छी क्वालिटी पे जोर देता है, ना कि उनकी प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर देता है। तो इसमें अगर किसान भाई कम दूरी पे भी लगाए तो सफल हो सकते हैं? हाँ, तब सफल हो सकते हैं, पर उसकी आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। यदि आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, फिर आप इस चीज में सफल नहीं होगे। बाग में मैनेजमेंट का भी उतना महत्व है जितना वैरायटी का महत्व है। इसमें कुछ ये जो अमरूद का या ये बागवानी लगा रहे, इसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं? हाँ, अमरूद हो गया, जैसे आम हो गया, आम तो सब में ज्यादा फंगस का, पीएच का। अच्छा। यदि आप आम का बाग लगाने जा रहे हो तो आपको वहाँ की पीएच जरूर देखनी चाहिए, एक फंगस और एक डिम्बक। अच्छा। इन चीजों का बहुत अटैक होता है, तो इनका बीच बीच में 3 मंथ में स्प्रे करना चाहिए हमको। ऐसे ही अमरूद में बहुत चीजें आती है, प्लांट बड़ा होने के बाद उसमें सब में ज्यादा दिक्कत होती है फल मक्की की। अच्छा। जो कि छोटा सा अमरूद का साइज होता है, उसी टाइम उसमें डंक मार के अपने अंडे दे देती है, जिससे अमरूद काने होते हैं। बारिश के सीजन में अधिकतर ये समस्या देखने को मिलती है। तो भाई जी, जो किसान भाई जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, एक तो अपना नंबर बोल दो जो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसकी जानकारी ले सकते हो और आपसे पौधा ले सकते हैं। एक तो अपना नंबर बोल दो बड़े भाई। हमारा मोबाइल नंबर है 9068377712। एक बार और बोल दो भाई जी। 9068377712। देखो किसान भाई, ये भाई का नंबर है, आप भाई से संपर्क कर सकते हो, किसी भी तरह की जानकारी भी ले सकते हो। और इनके यहाँ नर्सरी के सभी पौधे उपलब्ध हैं, आम के, अमरूद के, लीची के, और आपके गार्डन के भी सभी पौधे हैं भाई के पास, इनसे मिल सकते हो और इनकी नर्सरी पे जाके विजिट भी कर सकते हो। नहीं भाई जी? हाँ जी बिल्कुल। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, पर बहुत देने बहुत साथ हो, और भाई से मिलाते हैं, आ जाओ भाई जी। और सफेदे के बारे में बहुत किसान भाई पूछो, जहाँ जब को यहाँ पे इन्होंने भाई ने सफेदे का भी लगा रखा, इन भाई से मिलाते हैं, बात कराते हैं। भाई जी नमस्कार, ठीक हो जी? हाँ जी बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया जी। जो किसान भाई देख रहे हैं आपको, भाई जी अपना एक तो नाम और पता बताओ जी। मेरा नाम आशीष चौधरी है। अच्छा जी। जिला सहारनपुर। अच्छा जी। और गांव सलोनी है मेरा। भाई जी कब से कर रहे हैं सफेदे की खेती? सफेदे की खेती हम कर रहे हैं 15 साल से। अच्छा, तो ये यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? ये हमारे पास P23 वैरायटी है। देखो भाई ये P23 है, देखो। तो आशीष भाई P23 तो बहुत आदमी बताओ, लेकिन P23 के आदमी किसान को लूट रहे, ओरिजिनल P23 नहीं मिल पाता, तो उसके क्या कारण आ गए और क्या पहचान है इसकी? इसकी पहचान जी है, इसकी जो पत्ती होती है वो ऊपर से थोड़ी हल्की गुलाबी होती है। अच्छा जी। और जो इसकी पत्ती होती है वो लंबी होती है और कड़कदार होती है। अच्छा जी। ये पौधा कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये पौधा 4 से 5 साल में तैयार हो जाता है। अच्छा, और इसकी दूरी कितने पर लगाना चाहिए आपके? इसकी दूरी लगानी चाहिए आपको, लाइन में अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो पेड़ से पेड़ 5 फुट की दूरी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, और अगर हम पूरे खेत में लगा रहे भाई जी? पूरे खेत में तो लगाओ इसको 5x15 पर।
5x15 बहुत बढ़िया। देखो आपने आप खेती भी कर सकते हो 5x15 पे। आपने दूरी बहुत बढ़िया बताया, नहीं ज्यादातर नर्सरी वाले 10x5 या 10x3 बताते हैं ताकि उनका पौधा ज्यादा बिके। तो अपने पौधे बेचने के लिए बताते हैं ताकि उनका पौधा ज्यादा बिके। देखो किसान भाई, ये भाई खुद एक किसान भाई है, ये नर्सरी का काम तो भाई का थोड़ा है, खुद किसान है, बिल्कुल सही आपको बात बताएंगे और साफ सुथरी बात बताएंगे। आप पौधा कहीं से ले लो, ये नहीं कह रहे कि इनसे पौधा लो, कहीं से ले लो लेकिन अच्छी वैरायटी लगाओ। हाँ जी देखो, हमारे पास इसे खुद के मदर ब्लॉक है जी जी, और हम उसको खुद तैयार कर रहे हैं जी जी। मैं अपने पौधे की 100% ओरिजिनल की गारंटी देता हूँ, बिल के साथ आपको पेड़ दूंगा जी जी। और 15 साल से हम इसकी खेती कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष भाई, जो सफेदा की खेती करना चाह रहे हैं, ये कैसी मिट्टी में तो हो जाएगा, इसके बारे में और बताओ। जो हमारी पीते इस वैरायटी है हर मिट्टी में कामयाब है, चाहे वो आपकी पीली चिक्कण हो या नीली चिक्कण हो, रेता हो, जमुना वाला रेता हो, डाकर मिट्टी हो। अच्छा, P23 वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो हर मिट्टी में काम, जैसे आपने P23 कर दी, कुछ वैरायटियां और भी हैं जो अच्छी वैरायटी हैं, उनका भी नाम बताओ भाई जी। हमारे पास एक 288 है, 2070 है जी, ये भी अच्छी भाई, ये भी अच्छी वैरायटी है, बहुत बढ़िया जी। तो भाई जैसे सफेदा है, जहाँ पानी की किल्लत आती है, जहाँ पानी 2-3 महीने के लिए भर जाता है, वहाँ सफेदा हो जाता है। हाँ जी हो जाता है, लेकिन जब लगाना आपने, जब वहाँ पे पानी सूख जाता हो। अच्छा, उसके बाद आपने सफेदा लगाना, जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई समस्या नहीं है पानी में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई जी, इसमें थोड़ा खाद के बारे में और बताओ, कितना तो खाद गिरना चाहिए, उसकी जंगाई भी करनी चाहिए क्या, ये बताओ। इसकी जंगाई आपने करनी नहीं बिल्कुल भी, 5 साल ही अपने आप टहनी तोड़ के नीचे डालते रहेगा। अच्छा जी, और खाद की बात ऐसी है, जब आप पौधे को खेत में लगाओगे जी, तो 6 महीने तक आपने इसमें कुछ नहीं डालना, 6 महीने बाद आपने इसमें DAP डालनी है। DAP भाई जी कितनी मात्रा में डालनी है, कहाँ डालनी है DAP आपने? जैसे कि ये पौधा है, हाँ जी, इसके एकदम तने में नहीं डालनी, बिल्कुल इसके चारों साइड आपने DAP डालनी है आपको, इसके चारों तरफ। चारों तरफ जब एक 6 महीने का पौधा हो जाएगा जी जी, तो 1 चम्मच टीस्पून वो इसके चारों तरफ डालनी जी जी जी। सही सही। और इसका नुड़ाई का भी ध्यान रखे जी, सफाई रखे इसके बाद। इसकी मेन काम है जिसका नुड़ाई का जी जी, इसको इतना खाद नहीं लगेगा जितनी आप इसकी नुड़ाई करोगे, मतलब वहाँ पे साफ रहना, साफ रहना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी सफाई आप रखोगे तो आप इसको 4 साल में तैयार कर सकते हो। देखो किसान भाई, जो किसान भाई सफेदे की जानकारी लेना चाह रहा या पौध लेने का भी इच्छुक है, भाई का नंबर हम बुलवा रहे, भाई से आप संपर्क कर सकते हो और इनकी नर्सरी पे जाके विजिट भी कर सकते हो। तो भाई जी अपना एक तो नंबर बोल दो। मेरा नंबर है जी 844-77 अच्छा जी 23 अच्छा जी 99 अच्छा जी 4। एक बार और बोल दो भाई जी, 844-77 जी 23994। ठीक, ये भाई जी का नंबर है, भाई से आप बात कर सकते हो। मैं बताऊँ भाई जी, मैं आज यहाँ आया, इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है और बिल्कुल मैं इन्हों कहूँगा शुद्धता से काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही वैरायटी देंगे। आप इनसे संपर्क करो, इनकी नर्सरी पे जाके विजिट करो और इनकी नर्सरी को भी देखो, आप सफेदे के पेड़ इनसे ले सकते हो, बहुत अच्छे रेट पे पेड़ देंगे आपको और जेन्युइन पेड़ देंगे। तो भाई जी, और किसान भाइयों को आप अपने जरिए कोई संदेश देना चाहते हो? हम किसान भाइयों को संदेश यही देना चाहते हैं जी, अपने खेत में जो भी वैरायटी लगाओ, अच्छी वैरायटी लगाओ जी जी। अगर आप किसी से आंध्र, इसमें आपको बहुत लोग ऐसे ही सड़कों पे पेड़ बेचते घूम रहे, वो आंध्र प्रदेश की वैरायटी। भाई जी, मैं आपकी बात रोक के एक बात कहूँ, जो ये मोटरसाइकिल पे लेके फिर रहे, घर घर पटक रहे, गाँव में पटक रहे, इनसे पेड़ ना लो, इनसे पेड़ ना लो जी। ये आंध्र प्रदेश से पेड़ आ रहा है और इनका पेड़ भी काफी बड़ा होता है, वो किसान लगा देता है सस्ते के चक्कर में लेके। देखो किसान भाइयों, भाई के जरिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी नर्सरी वाले से पेड़ लो, ये मोटरसाइकिल पे रख के बड़े बड़े पेड़ फिर रहे, इन्हें ना लगाओ नहीं आप लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हाँ जी बिल्कुल, वो आपका ये तो 3 ही महीने में सूख जाएगा, ज्यादा ज्यादा 1 साल में वो पूरा झाड़ बन जाता है, सूख जाता है। बिल्कुल, किसान सोचेगा इसमें डिम्मा का गई, वो इसमें जी दवाई डाल लेगा जी जी, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा, वो हर 6 महीने ऐसे ही सूखता रहेगा। भाई नर्सरी से प्लांट लो और जानकारी के साथ ही प्लांट लगाओ। हाँ जी, आओ किसी भी अनजान आदमी से प्लांट लो, ये जो मोटरसाइकिल पे भर भर फिर रहे भाई, इनसे तो ना पॉपुलर लो ना लो सफेदा, नहीं आप ढूंढते रह जाओगे, ये आपको मिलने के। और हम अपने अपने पेड़ की होम डिलीवरी देते हैं, चाहे आप कोई से भी जिले में हमारा पेड़ मंगाओ, स्टेट में मंगाओ, हर जिले में हमारी वो है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया होम डिलीवरी। आशीष भाई के भाई घर ही ये पौधे पहुंचवाओगे, भाई से संपर्क करो, मैं तो कहूंगा पहले जानकारी लो, भाई की बात में दम लगे तो नर्सरी देखो। हम अपना पेड़ देंगे आपको पक्के बिल के साथ, पेड़ काट के देंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई जी। देखो पक्का बिल देंगे, कभी भी कोई शिकायत नहीं आने की भाई की उसमें, और आराम से इनसे भाई सफेदे की खेती के बारे में जानकारी भी लो और पहुंच भी लो भाई जी, हम तो ये कहेंगे और भाई से मिल। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मोहित भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो किसान भाई इन दोनों भाई से मिला जी, दोनों ही काफी दिन से एक एक भाई सफेदे की खेती कर रहे हैं और एक कर रहे हैं सभी फलदार पेड़, छायादार पेड़ और जो घर में भी गार्डन में पेड़ लगते हैं उनकी खेती कर रहे हैं। आज हम यहाँ बड़ौत में मेला लग रहा है जट्टों का, तो यहाँ पे आए हैं, JCT मेला लग रहा है, यहाँ पे आके विजिट करा, बहुत अच्छा लगा और इनसे दोनों का नंबर बुलवा दिया, इनसे संपर्क करो, बात करो, अगर इनकी बात आपको अच्छी लगे और आप संतुष्ट हो तो इनसे आप पेड़ ले सकते हो किसी प्रकार के। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना किसान भाइयों, धन्यवाद।